जवाब दीजिए अबू आजमी साहब, मुलायम सिंह यादव इतने सीनियर, इतने परिपक्व नेता हैं, वो ये सारी बातें ऐसे ही हवा हवा में तो नहीं कह देंगे ना अबू आजमी साहब। मतलब या तो आपकी बातों को हम सीरियस ले या फिर मुलायम सिंह यादव की बातों को। मैं नहीं नहीं नहीं, नहीं देखिए, मैं पूनिया साहब तो नेताजी के साथ काम कर चुके हैं, मैं उनसे पूछूं कि पूनिया साहब बताइए, आज जितनी उत्तर प्रदेश में बिजली मिल रही है इसके पहले किसी सरकार ने दिया था क्या? जरा मुझे साफ साफ बता दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में जो विकास का काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, आज तक किसी सरकार ने बनाया था क्या? आजमी साहब, ये तो जनता तय कर लेगी ना। हम तो आज जो मीटिंग हुई है आजमी साहब, आज जो मीटिंग हुई है, हम उस पर, हम नहीं, हम उसके बीच में जो चीज छुपी हुई है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने उसके देखिए, मैंने विकास कार्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, उसकी चर्चा नहीं हो रही कहीं भी। लेकिन वो चर्चा जो नेताजी ने कहा है वो उसी पे चर्चा हो रही है, बाकी जो विकास के काम कराए हैं वो जनता के सामने है, सब है, जानते हैं, उसके ऊपर मैंने कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। इसीलिए तो पुनिया साहब, जो आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, वो आपका काम बेहतरीन यादव ने कर लिया है। आईपी सिंह साहब हाथ उठा रहे हैं, आईपी सिंह साहब मुझे ये बताइए कि आज ये जो कुछ भी हुआ है मीटिंग में, इससे आपको क्या नजर आ रहा है? सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को और जी न्यूज टीम को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के हालात हैं, उत्तर प्रदेश में भय और आतंक का माहौल है, और ये सैफई परिवार का नया ड्रामा है। सैफई परिवार इससे पहले 6 महीने पहले भी विवादों के घेरे में आया था, जब सैफई महोत्सव में श्री अखिलेश यादव शिरकत करने नहीं पहुंचे और उन्हें मनाया गया था। और जिस विकास की बात करते हैं, इनके घोषणा पत्र में साफ तौर से था कि 2 साल के अंदर 24 घंटे बिजली उत्तर प्रदेश को देंगे, गांव में 4 घंटे बिजली नहीं आती है। भय और आतंक का आलम यह है कि 47 उत्तर प्रदेश में चलती है, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, विकास के नाम पर लूट मची हुई है। खामोश रहिए, आप जब बोल रहे थे अब वो आजमी भाई, मियाँ थोड़ा खामोश रहिए, सुनिए। जब आप बोल रहे थे मियाँ, मैं भी सुन रहा था, आपको भी सुनना पड़ेगा। बिल्कुल कोई गलत नहीं इस परिवार का, जो विवाद है, शिवपाल यादव इस्तीफा दे दें, चाहे अखिलेश यादव इस्तीफा दे दें, ये इस्तीफा देने वाले नहीं है। 6 महीने के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है उसमें सपा को जनता बर्खास्त कर देगी, इस्तीफे की न शिवपाल की जरूरत है। ये ड्रामा ये परिवार बंद करे। मुख्तार अंसारी जो डॉन है, माफिया है, उसको लेकर ये चर्चाएं प्रारंभ हुई। अतीक अहमद बैकडोर से, जो सबसे बड़ा माफिया है वो आपको शुमार करता है। दुर्गा प्रसाद यादव जहां से, आजमगढ़ से, आप भी हैं, मैं भी हैं, 8 साल से ज्यादा 10 साल तक वो जेल में रहा, माफिया है, कैबिनेट मिनिस्टर है। तो सवाल यादव से अखिलेश यादव की नाराजगी इसी चीज को तो लेकर है, इसी बात को लेकर तो ये तू मैं शुरू हुई थी। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। विशाल पांडे, मेरे रिपोर्टर, सबसे बड़ा, मेरे रिपोर्टर विशाल पांडे हमारे साथ, सबसे बड़े विभाग हैं वो शिवपाल यादव के पास हैं, सिंचाई और पीडब्ल्यूडी। लेकिन खनन को लेकर सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है, और खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचाने का काम अगर कोई कर रहा तो श्री मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार कर रहा है। यही एकमात्र कारण आज समझ में आता है कि शिवपाल सिंह के साथ क्यों खड़े हुए। अगर उन्हें इतना सब कुछ है तो क्यों नहीं अखिलेश यादव को बर्खास्त कर देते, या स्वयं चीफ मिनिस्टर बन जाए, या अपने छोटे भाई को जो 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 धन दौलत कमाने में शिवपाल सिंह भी पीछे नहीं रहे हैं, उन्हें या तो सीएम बना दे, 6 महीने में उनका भी टेस्ट हो जाए। जनता चाहती है कि परिवार की विदाई हो, जो भी टेस्ट अबू आजमी बचे, आप इस पर जवाब दे दीजिए। इतना सीरियसली अगर उनको लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, मंत्री उनके भ्रष्ट है, बोझ पार्टी के ऊपर बन गए हैं, तो फिर बर्खास्त कीजिए ना। खाली कहने से और बात सामने रखने से क्या फायदा, एक्शन लीजिए ना। देखिए ऐसा है ना कि एक्शन लिए गए, जो मंत्रियों पे एक्ट था उन मंत्रियों को हटाया भी नेताजी ने हटाया है, और नेताजी एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरे पिता हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बाप जो है बेटे को बहुत डांटता है अगर कोई गलती करता है,
तो नेताजी ने अपना अपना जो उनका वो है, जो उनका दर्जा है, उसका इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री को और इन लोगों को एक चीज़ समझाया है कि भाई अगला इलेक्शन आपस में कुछ दरार नहीं पैदा नहीं रहना चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है जो ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं छह महीने में दोबारा उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आ रही है मुलायम सिंह यादव का, या फिर हम जो है वो समझ नहीं पा रहे भ्रष्टाचार का बोलबाला है। श्री मुलायम सिंह ने कहा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नहीं नहीं, अगर भ्रष्टाचार है ना तो इंक्वायरी हो रही है ना, मालूम पड़ जाना है। स्वयं बड़े लोग कह रहे हैं, मंत्री कह रहे हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही सरकार के खिलाफ? सरकार क्यों नहीं बर्खास्त कर दी जाती है? सरकार स्वयं क्यों नहीं कुछ कार्रवाई की दे देते हैं? स्वयं उनके पिता ने खड़ा कर दिया, उनके उनके चाचा ने खड़ा कर दिया, उसके बाद भी आपकी सरकार खामोश है। इतनी डेमोक्रेसी पार्टी में साफ तौर पर दिख रही है कि बाप बेटे को डांट कर और बता सकता है कि सही रास्ते पर आ जाओ, क्या ये किसी और पार्टी में देखने को मिलता है? आईपी सिंह साहब, आपसे भी ये सवाल और ये सवाल केएल पुनिया साहब से बंद करे समाजवादी पार्टी और जो ये सपा बसपा की जुगलबंदी है, इस जुगलबंदी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, ये जिगर चाहिए। विशाल पांडे का रुख करना मुझे अभी जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को अभी सबसे बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। विशाल, ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? अबू आजमी कह रहे हैं नहीं नहीं वो तो डांट डपट देते हैं, उनकी हमेशा से आदत है कि मैं तुम्हें पार्टी से निकाल दूंगा अगर गलत काम किया। ये वाकई ये वो है, क्लासरूम है कि आपने थोड़ी बातचीत कर ली तो टीचर ने डांटा और बैठा दिया? पॉलिटिक्स है भाई, नेशनल पॉलिटिक्स। बिल्कुल रूबिका, और मुलायम सिंह यादव जिस राजनीति के लिए जाने जाते हैं वो जो बोलते हैं उसके अलग अलग मतलब अलग अलग तरीके से निकाले जाते हैं, लेकिन इस बार जो मुलायम सिंह यादव ने बोला है, क्योंकि इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मंच से अखिलेश यादव की आलोचना कर चुके हैं, लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव की आलोचना की है, उनको डांट लगाई, उसके पीछे दो मकसद है। पहला मकसद ये है कि मुख्तार अंसारी के प्रकरण के बाद जब शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश यादव नाराज हुए थे और शिवपाल यादव हाशिए पर गए, उनको मनाने की कोशिश एक तरीके से मुलायम सिंह यादव ने यहाँ पर की है। दूसरा ये है कि जो बुजुर्ग टीम है समाजवादी पार्टी की, जो एक तरफ से किनारे की जा रही थी, अगर हम बात करें मुख्तार अंसारी के प्रकरण को लेकर बलराम सिंह यादव को बर्खास्त किया अखिलेश यादव ने, लेकिन दो दिन बाद मुलायम सिंह यादव ने बलराम यादव को दोबारा मंत्रिमंडल में जगह दिला दी। उससे पहले नारद राय को बर्खास्त किया था, फिर मुलायम सिंह यादव ने उनको मंत्रिमंडल में जगह दिला दी। इससे पहले पवन पांडे जो कि राज्य मंत्री थे उनको बर्खास्त किया था, फिर मुलायम सिंह यादव ने उनको मंत्रिमंडल में जगह दिला दी। तो आप ये कह सकती हैं कि कहीं ना कहीं जो पुरानी टीम है मुलायम सिंह यादव उसको लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो आने वाला चुनाव है उसमें डैमेज कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ पर एक बात और हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हमारे पास एक लंबी लिस्ट है पूरी, अखिलेश मंत्रिमंडल में लगभग 14 से 15 मंत्री ऐसे हैं जो मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं। उसमें बलराम यादव, ललई यादव, पारसनाथ यादव, राजा भैया, गायत्री प्रजापति, बलवंत सिंह रामूवालिया, पंडित सिंह, नितिन अग्रवाल, राम सकल गुर्जर, अवधेश प्रसाद, रविदास मेहरोत्रा, शादाब फातिमा। विशाल, ये तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और वो बार बार मुझे तो बस एक ही कहावत याद आ रही है, वो 4.5 मुख्यमंत्री की। अब बचे 4.5 में से कुछ 6 या 5-6 महीने बचे हुए हैं। अबू आजमी साहब, कुल मिलाकर बात यह है कि जो पहले दिन से नहीं दिख रहा था वो तालमेल, वो आज भी नहीं दिख रहा है। बस वो 224 सीटें हैं वो हाथ से निकलती दिख रही है। रूबिका, मैं एक मिनट इंटरप्ट करूंगा, मेरा एक प्रश्न ले लीजिए और उनसे इनसे अबू आजमी से पूछ लीजिए। ये सारी घबराहट इसलिए है क्योंकि खनन को लेकर सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। जैसे एनआरएचएम को लेकर मायावती के 20 मंत्री हटाए गए थे, बड़े बड़े प्रदीप शुक्ला जैसे बड़े अफसर जो आईएएस टॉपर थे वो जेल में गए थे, और नौकरशाही को लेकर भी लगातार अंगुली उठ रही है। इनसे पूछिए कहीं ये जो जांच प्रारंभ हुई है कहीं उसके पीछे की घबराहट तो नहीं है? घबराहट है ये और कुछ नहीं है। अबू आजमी साहब, नहीं नहीं देखिए सुनिए, अगर घबराहट होती तो माइक पर जनता के बीच में नहीं बोलते, दिल साफ है बिल्कुल। और एक बहुत ही तजर्बेकार नेता हैं, उन्होंने तंबीह किया है कि इलेक्शन की तैयारी करो, आपस में अगर थोड़ा बहुत खिंचातानी उसे ख़त्म करो, उसका मतलब यही है। और 4.5 साल में जो काम उत्तर प्रदेश में हुआ है शायद पिछले 50 सालों में नहीं हुआ है। इस बात को कोई माने या ना माने, पुनिया साहब तो जरूर मानना चाहिए क्योंकि वो एक आईएएस अफसर रह चुके हैं और वो साथ में काम कर चुके हैं। वो कहते हैं कि नहीं हुआ काम। ये ट्विटर पर टाइमलाइन पर मैं देख रही हूँ, इतने सारे उत्तर प्रदेश के मेरे व्यूअर्स हैं, स्वीकार कर लिया कि अगली सरकार जो ये कह रहे हैं कि आप बॉम्बे में बैठकर क्या जानेंगे सर, उन्होंने स्वीकार किया कि अगली सरकार किसकी आएगी, आपकी आएगी, अगली सरकार आपकी आएगी।
रुकिए एक सेकंड यार, तू तू मैं नहीं आपको, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से भी जा रही है, आपकी जुगलबंदी जो सपा बसपा की है वो दिल्ली से जा रही है, दिल्ली से गई, बिहार से गई और उत्तर प्रदेश में ऐसा गिरेगी कि खत्म हो जाएगी। भाई नोट कर लीजिए, 265 प्लस के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मुझे लगता नहीं कि आज तक किसी देश में ऐसा हुआ है। ये जंग कौन जीतता है ये पता पड़ेगा, अभी डिबेट में तो कोई नहीं जीत पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, देखते रहिए जी न्यूज़।